वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साई बाबा बनी बाबा बगल सनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रियजनों प्रभु यीशु के नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय पद संख्या 3। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में हम समझा चुके हैं। प्रियजनों, आज का ये वचन प्रभु ने हमें दिया है कि ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, और ईश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, और विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन में मनुष्य व्यभिचार से दूर रहे, दाम्पत्य जीवन में प्रभु ये कहता है कि मनुष्य व्यभिचार से दूर रहें। तो ईश्वर की इच्छा आप लोगों के विषय में आज ये है कि आप में से प्रत्येक अपने औचित्य के अनुसार अपने दाम्पत्य जीवन में एक ही पत्नी ग्रहण करे। ये ईश्वर की इच्छा है परिवारों के विषय में, और प्रभु ये चाहता है कि ये उसकी इच्छा परिवारों में पूरी हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो बाइबल हमें बताती है कि उसे इन बातों का कठोर दंड मिलेगा। तो आज हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, पवित्रताई का जीवन जिए। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये का वचन ये कहता, संत पौलुस लिखता है कि कोई भी विश्वास के और पवित्रता के अभाव में ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। ईश्वर के दर्शन करने के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है, विश्वास में दृढ़ बने रहने की आवश्यकता है। तो प्रभु ये चाहता है कि आप लोगों के परिवार में आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र हो, आप लोग वासना से नहीं पवित्र आत्मा से संचालित हों। वासना से वासना उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। जिस परिवार में पवित्रता है, दाम्पत्य जीवन शुद्ध और पवित्र होगा। लेकिन जिस परिवार में प्रार्थना नहीं है, पवित्रता नहीं है, विश्वास की कमी है, इन परिवारों में ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में शांति नहीं होगी। वे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यदि परिवार में बच्चे वासना जैसी बुराइयों में फंसे हैं तो शायद इसका कारण यह है कि दाम्पत्य जीवन में पवित्रता नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि ईश्वर ने नर और नारी को बनाया, उन्होंने इस रिश्ते को पवित्र किया, और इसलिए ये आदेश भी दिया कि अब ये दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य अपनी पत्नी को ऐसे प्यार करे जैसे वो अपने शरीर को प्यार करता है, और पत्नी अपने पति को ऐसे प्यार करे जैसे कि
मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। आप लोगों का दाम्पत्य जीवन अदूषित रहे, दूषित ना रहे। इसलिए बाइबल में हमने पढ़ा कि प्रभु हमें आज ये शिक्षा देता है, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, विशेष तौर पर परिवार में दंपति, पति और पत्नी, प्रभु आपसे ये चाहता है कि आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र बने। यदि उसमें कोई कमी रह गई है तो आज आप उसे सुधार कर उसे पूरा करें और प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। तो आगे वचन ये कहता है कि आप लोग सतर्क रहें, जागते रहें और ईश्वर की इच्छा को पूरा करते रहें। संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7, जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं, लेकिन हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें। विश्वास एवं मुक्ति की आशा का टोप पहनकर संत पौलुस कहता है कि मुझे और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ने शिमोन से कहा, शिमोन शिमोन ध्यान से सुनो, तुमको शैतान को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, इसलिए तुम जागते रहो, सो मत जाना, नहीं तो तुम प्रलोभन में पड़ जाओगे और शैतान तुम्हें बहका सकता है। तो इसलिए जिस परिवार में पवित्रता है, जो परिवार प्रभु के अधीन है, जिन परिवारों में प्रार्थना की परंपरा है, जिन परिवारों में रोज सुबह और शाम को बैठकर एक साथ मिलकर गीत भजन स्तुति और प्रशंसा प्रभु की जाती है, उन परिवारों में प्रभु का आत्मा और प्रेम निवास करता है, उनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है, मनमुटाव नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो वह जल्दी सुलझ जाते हैं, क्योंकि आत्मा वहाँ पर आप लोगों की अगुवाई करता है। तो दाम्पत्य जीवन शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है। आपके बच्चों को पवित्रता का वरदान मिलने की आवश्यकता है, और यदि ये पवित्रता का वरदान मिल जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी ज़्यादा बरकतें और खुशियाँ और वरदान भरपूरी मात्रा में आप लोगों पर बरसा देता है। प्रियजनों, परिवार एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसे कि स्वयं परमेश्वर ने बनाया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, अब वे दो नहीं बल्कि एक तन है, और जब यह रिश्ता पवित्र होगा तो उसका फल भी पवित्र होगा। आज प्रभु ये बात समझाना चाहता है उन दंपतियों को जिनके जीवन में अगर कोई मनमुटाव है, समस्या है, क्रोध की भावना है, लड़ाई झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन है, और इसकी वजह से फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, संतान ये फल उत्पन्न नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर पवित्रता का अभाव है। तो बाइबल हमें बताती है कि अगर आप दो तन एक आत्मा से ईश्वर की आशीष प्राप्त करके एक हो गए हैं तो यह रिश्ता पवित्र हो गया है, और अगर यह रिश्ता पवित्र है तो इनका फल अर्थात बच्चे जो आपके दाम्पत्य जीवन का फल हैं वे भी पवित्र होंगे। पेत्रुस का पहला पत्र, एक सुंदर वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं अध्याय 2 पद संख्या 15 में, ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण के द्वारा अनर्गल बातें बोलना और इसको करना छोड़ दें, इस प्रकार आप लोगों को ईश्वर का वरदान प्राप्त होगा और आप ईश्वर की इन बातों से उन तमाम लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं जो कि उसके विषय में गलत धारणा रखते हैं। तो प्रभु ये कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 में कि तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता है वह अपने सब कार्यों में हो सकता है असफल हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सफलता देने वाला परमेश्वर है। काम भले ही हम करते हैं लेकिन उनको पूरा करने वाला स्वयं परमेश्वर है,
तो वचन हमसे कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6 कि सब कार्यों में उसका ध्यान करो और वह तुम्हारे मार्गों को प्रशस्त करेगा। सब कार्यों का ध्यान करो और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आज का ये विषय जिसे प्रभु ने मुझे दिया है, मैं आप लोगों के समक्ष यही रखना चाहता हूँ, प्रभु की आदेश के अनुसार कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है, पिता आपसे क्या चाहता है। हम शुरू से लेकर बाइबल में अंत तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन बार बार हमें यही कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी अपने आप को पवित्र करो, तुम भी पवित्र बनो। तो होलीनेस इज द विल ऑफ द फादर, पवित्रता ईश्वर की इच्छा है जिसे वो चाहता है कि वो आपके दाम्पत्य जीवन में उसे पूरा करे। लेवी के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 44 में हम पढ़ते हैं कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पद संख्या 45 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारा अपना ईश्वर बनूं क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब जब परमेश्वर पवित्र है तो वो अपनी प्रजा से, अपने लोगों से यही अपेक्षा करता है जिसको उसने चुना है कि वे लोग भी पवित्र बने, वे आत्मत्याग करें, पवित्रताई का जीवन जिए, विश्वास का जीवन जिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं कि इसराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो, इसराइलियों के सारे समुदाय से यह कहो कि पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। तो परमेश्वर ने अपने वचन में लोगों को ये बताया कि हे इसराइलियों, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि ईश्वर ने देखा इसराइलियों के जीवन में अनेक कमियां थीं, वो मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने के बावजूद भी अभी तक अपनी बुरी विचारधारा से, अविश्वास से, हर प्रकार के प्रलोभन से वो आज़ाद नहीं थे, उनका जीवन अभी तक शुद्ध नहीं हुआ था, पवित्र नहीं हुआ था। तो प्रभु उनसे ये कहता है तुम में से प्रत्येक अपने माता पिता का आदर करेगा और मेरे विश्राम दिवस को मनाएगा क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तो ये आदेश इसराइलियों के लिए था और आज ये आदेश हमारे लिए है। हम जितने भी लोग ये वचन सुनते हैं, जब भी हम इसे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आज यही हमें शिक्षा देता है कि हम पवित्र बने। पवित्रता कैसी पवित्रता? कभी कभी हम सोचते हैं हमने बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं, हमने तीर्थ यात्राएँ की, हमने दशमांश दिया, हमने उपवास किए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्रताई को जारी रखने के लिए कुछ माध्यम हैं जिनके द्वारा मैं और आप पवित्रता की खोज में लगे रहते हैं। परंतु प्रभु ये चाहता है कि हम अपने विचारों से पवित्र रहें, अपने शरीर से पवित्र रहें, अपने हृदय से पवित्र रहें और आत्मा से पवित्र रहें। प्रियजनों, हृदय से जब बात आती है पवित्रता की, तो प्रभु ये कहता है कि बुरे विचार हृदय से निकलते हैं और अच्छे विचार भी हृदय से निकलते हैं। इसलिए बुरा व्यक्ति अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता और अच्छा व्यक्ति अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अपने जीवन से, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम अपने हृदय को पवित्र रखने का प्रयास करें और अच्छे विचारों को हम ईश्वर की ओर से प्रकट करने का प्रयास करें अपनी आत्मा को, क्योंकि आत्मा के अलावा मनुष्य ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। अगर व्यक्ति कुछ दे सकता है ईश्वर को तो वो है उसकी आत्मा, क्योंकि बाकी सारा सब कुछ इस दुनिया में रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेम, भरोसा, विश्वास, ये संत पौलुस कहता है हमेशा तक रहेंगे। आत्मा अजर अमर है और ये जहाँ से आई है वहाँ पर इसे लौटना है,
तो हम अपनी आत्मा को तैयार करें, आत्मा में हम पवित्र रहें, और उसके लिए पवित्र आत्मा के वरदान की मुझे और आपको आवश्यकता है। इसलिए लेवी के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 26 में पुनः परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो, हे इसराइलियों तुम मेरे लिए पवित्र बनो, ए मेरे चुने हुए लोगों तुम मेरे लिए पवित्र बनो, अपने दास दासियों से, अपने चुनी हुई प्रजा से प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अशुद्ध चीज कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, 22 में हम पढ़ते हैं कि कोई भी अशुद्ध वस्तु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए हर मसीह को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह पवित्र बने, तभी आप और मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बनो। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को अनेक राष्ट्रों में से निकाल कर अपने लिए उसने पवित्र किया, उसने उसे अपने लिए बनाया और कहा कि मैं तुमको अन्य राष्ट्रों से अलग करके लाया हूं, इसलिए ए मेरी प्रजा, ए मेरे बच्चों, तुम मेरे लिए पवित्र बनो, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आज प्रभु आपके सामने चमत्कार करेगा। क्योंकि योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योशुआ कहता है लोगों से, इसराइलियों मेरी बात सुनो, तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल तुम्हारी आंखों के सामने परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो चमत्कार देखने के लिए, चमत्कारों का अनुभव करने के लिए हर एक मसीही परिवार को अपने जीवन में पवित्रताई को धारण करने की आवश्यकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके बिजनेस में चमत्कार होगा, आपके खेत खलियानों में चमत्कार होंगे, आपके दफ्तरों में चमत्कार होंगे, आपकी संतानों के जीवन में चमत्कार होंगे, क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी मेरे लिए पवित्र बनो। मैंने तुमको राष्ट्रों से अलग किया, मैंने तुमको चुना और तुमको स्थापित किया। यही वचन बार बार बाइबल हमें बताती है। तो ईश्वर के दर्शन करने के लिए दो विशेष बातें हैं, वो है पवित्रताई और विश्वास। इन दोनों के अभाव में संत पौलुस कहता है कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। पुनः पेत्रुस के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 16 प्रभु ये कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है, पवित्र बनो क्योंकि ईश्वर पवित्र है। लेवी के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 में वो कहता है कि तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे, मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता हूं। कहता मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता हूं। क्या मैं और आप अपने विचारों से पवित्र हैं? क्या मैं और आप अपने कामों में पवित्र हैं? क्या आप लोग ईश्वर की इबादत जो करते हैं सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से करते हैं? ये आज के मनन चिंतन का विषय है। तो इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 में सुंदर वचन संत पौलुस हमें देता है कि पवित्रता की साधना करें क्योंकि इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आपने अपने जीवन में अनेक कन्वेंशंस किए होंगे, अनेक साधनाएं की होंगी, अनेक तीर्थ किए होंगे, अनेक उपवास रखे होंगे, अनेक अच्छे काम किए होंगे, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि तुम पवित्रता की साधना करो। पवित्रता की साधना करना, यही सबसे बड़ी कठिन बात है, यही आत्मत्याग का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति पवित्रता की साधना कर सकता है तो उसे ईश्वर के राज्य से वंचित नहीं होना पड़ेगा। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 2 पद संख्या 5 में कहता है कि आप लोग अपने मनोभावों को आप लोग अपने मनोभावों को
ईसा के मनोभावों के जैसे बना लो, तो स्वाभाविक है कि मैं और आप पवित्रता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। स्वाभाविक है कि मैं और आप अपने जीवन में शुद्धता का अनुभव करेंगे। यदि हमारे विचार, यदि हमारे मन के भाव, यदि हमारे हृदय से निकली हुई बातें ईश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त के बातों के जैसी होंगी, तो हम पवित्रता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहेंगे। यीशु ने जो कहा वो करके दिखाया। यीशु ने जो कहा उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में उसे लागू किया, और यीशु ने आज्ञा पालन सीखा, सेवा, प्रेम, सहनशीलता, आज्ञाकारिता और दूसरों को क्षमा करना, ये वरदान उनके जीवन में थे। यही मनोभाव मेरे और आपके जीवन में आने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, पवित्रता के साथ साथ प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 कि तुम पूर्ण बनो, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, वो तो पूर्ण है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, उसमें कोई अभाव नहीं है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। बाइबल इतना ही नहीं आगे हमें बताती है, संत पौलुस लिखता है एफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। अक्सर हमारे जीवन में जो कमी है वो ये है कि हम लोग ये पता लगाने में बहुत पीछे रहते हैं कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं। हम अपनी बातों को ढूंढते हैं, सांसारिक बातों की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन प्रभु ये कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और उसी के साथ संत पौलुस कहता है अध्याय 5 एफेसियों को लिखते हुए पद संख्या 10 में कि आप ये पता लगाओ कि ईश्वर को कौन सी बातें प्रिय हैं, और ईश्वर को यह बात प्रिय है कि आप पवित्र बने, आप पवित्र बने, ईश्वर की यह इच्छा है और उसको यह बात प्रिय है, इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता है। जो लोग व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप लोग दूर रहें, उनसे आप लोग दूर रहें, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार में रहता है वो अनेक प्रकार के प्रलोभन में फंस जाता है और प्रियजनों वो शैतान के अधीन हो जाता है। इसलिए बाइबल पुनः में बताती है एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 कि उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में आपको चुना, हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। तो आज का ये वचन जिसे मैंने परमेश्वर की ओर से आपके साथ साझा किया, मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में आपको प्रेरित करेगा दो बातों के लिए, अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए और विश्वास में बढ़ोतरी करने के लिए। तीसरी बात, पवित्रता की साधना आप लोग करें। अनेक साधनाएं आप करते हैं, लेकिन अब से आप पवित्रता की साधना करने की कोशिश करें, तो बाकी की चीज़ें प्रभु आपके जीवन में यूं ही प्रदान करेगा। बाइबल हमें बताती है तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी, अगर तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे आगे आगे चलती है तो ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। अगर आपकी जड़ें पवित्र होंगी तो आपके फल भी पवित्र होंगे, यदि आप पवित्र होंगे तो आपका घर पवित्र होगा, आपकी संतान भी पवित्र होगी, क्योंकि पवित्रता ईश्वर की इच्छा है, बाइबल ये स्पष्ट करती है। तो आज हर एक मसीह को पवित्रता का जीवन जीने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप लोगों को आशीष दे और चंगाई प्रदान करे। आमीन।